पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबलियों के लिए मतदान हुआ, लेकिन अभी तक कहीं भी सरकार का गठन नहीं हो पाया है। लेकिन ये साफ हो गया है कि नवाज शरीफ के बजाय उनके छोटे भाई और पीएमएल नवाज के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पीएमएल नवाज ही पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया है, वो मुद्दों पर आधारित समर्थन बाहर से ही देगी। बदले में आसिफ अली जरदारी के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होगा। नेशनल असेंबली में वैसे सबसे ज्यादा 101 सीटें आजाद उम्मीदवारों ने जीती हैं, जिनमें अधिकतर पीटीआई के कार्यकर्ता हैं और पीटीआई इमरान खान की पार्टी है। जानकारी के मुताबिक पीटीआई के ये जीते हुए सांसद एक छोटी पार्टी मजलिसे वहदात मुस्लिमीन के साथ समझौता करके उसके बैनर तले नेशनल असेंबली में बैठेंगे। इसकी वजह यह है कि किसी पार्टी के साथ जुड़कर ही पीटीआई के इन आजाद उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों में, यानी पीटीआई को आरक्षित सीटों में अपना हिस्सा मिल पाएगा। इस सब पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह। उमा, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सत्ता का जो बंटवारा है उसका क्या फॉर्मूला आखिर तय हुआ है, किसे क्या मिलने जा रहा है और क्यों? जी देखिए, पाकिस्तान में बिखरे हुए जनादेश को समेटकर सरकार बनाने का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को पीएम बनाने की संभावना अधिक है, वही हुआ है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। और ये औपचारिक ऐलान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नेता हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने खुद किया है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के समर्थन से पीएम बनेंगे। हालांकि पीपीपी उनकी सरकार में शामिल नहीं होगी बल्कि बाहर से समर्थन देगी, इसका ऐलान भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पीपीपी का कोई मंत्री नहीं बनेगा, ये भी कहा कि पीपीपी देश में अस्थिरता और अराजकता नहीं चाहती है और न ही तुरंत दोबारा चुनाव चाहती है, इसलिए ये फैसला किया गया है। एक अहम बात यह भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को पीएम की रेस से बाहर बताया, कहा कि उनकी पार्टी के पास नंबर नहीं है इसलिए वे पीएम नहीं बन सकते। तो सवाल है कि पीपीपी को सत्ता में किस रूप में भागीदारी जो है वो मिलने जा रही है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि पीपीपी के जो नेता हैं आसिफ अली जरदारी, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, वही हुआ है। बिलावल भुट्टो ने इसका ऐलान कर दिया है कि आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कार्यकाल जो है वो पिछले साल ही खत्म हो गया, आम चुनाव की वजह से ही राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो रुका हुआ था। संघीय और प्रांतीय असेंबलियों के शपथ के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉल कॉलेज पूरा होते ही पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, लिहाजा जरदारी का जो इंतजार है वो अधिक लंबा नहीं होने जा रहा। राष्ट्रपति की कुर्सी के अलावा पीपीपी जो है वो संसदीय पदों पर भी अपने सांसदों को बिठाएगी, ये भी फॉर्मूला तय हुआ है।